जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदी के जो निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम फिर लेकर के आए हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपना आकलन करेंगे और अपने आकलन के अनुसार ही आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। चार विकल्प में से उत्तर होगा इसका उपकार, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो कौन सा लगाना है उपसर्ग, जल्दी सभी लोग बताएंगे। उत्तर होगा आ, विकल्प नंबर एक। तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, विपरीत हो जाएगा इसका। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जल्दी से बताओ, चार विकल्पों में से एक का चयन करो। कृदंत प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं, क्या होगा इसका सही उत्तर। उत्तर होगा क्रिया में, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं क्रिया में, ठीक है, विकल्प नंबर चार। नेक्स्ट, तद्यत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, पढ़ाई, जागृति, कथित या फिर नैतिक। तो तद्धित प्रत्यय वाला आपको बताना है, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा नैतिक, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं क्या, खालिस्तान में आप भरें, दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर है, या एक पंथ दो काज। विकल्प में सभी लोग लिखते जाएं, 1 2 3 4, सभी लोग लिखेंगे। उत्तर होगा कंगाली में आटा गीला, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है, जल्दी से बताओ। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों गाल बजाना, क्या होगा, गाल बजाने का अर्थ नहीं है बहुत परिश्रम करना, विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा। संज्ञाहीन हो जाना के लिए सही मुहावरा क्या है, संज्ञाहीन हो जाना, काट मार जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मुंह उतरना, या कान पर जूं तक न रेंगना। सही उत्तर होगा काट मार जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है, कौन सा होगा सही, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे गाया ना जा सके। अज्ञेय के लिए वाक्यांश का चयन करो और उत्तर बताओ, 1 2 3 4। जिसे जाना ना जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, रजत जयंती, विकल्प नंबर दो। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिधि सब साधन पूरा। इसमें कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर गीतिका, कौन सा सही है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर होगा चौपाई, विकल्प नंबर तीन। फिर छंद बताना है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणायन, चितहिं जानकी लखन तन, कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताएं। उत्तर इसका सही होगा दोस्तों, सोरठा, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा, क्या होगा, चार विकल्पों में से एक का चयन करो। आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, या उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर चार। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अय्यास, औगुण, ऐनक या फिर ऐलन। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा, औगुण, विकल्प नंबर दो। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करो, जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या होगा सही उत्तर। उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, अधीन,
अशुद्ध वर्तनी अध्ययन विकल्प नंबर एक। राजभाषा का सही अर्थ है, उत्तर बताना राजभाषा का सही अर्थ क्या है, किसी राज्य की विशेष मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा या सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। उत्तर सही होगा विकल्प नंबर चार, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कहा जाता है राजभाषा। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, याद करो 343 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसे राजभाषा का विशेष दर्जा दिया गया था। रानी केतकी की कहानी रचना की भाषा क्या है, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, फिर अरबी, फारसी। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की ये रचना है, रानी केतकी की कहानी, और इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली। विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची हमें बताना है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है जी, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताओ। उत्तर होगा बेटा पर, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा, ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे पोहप, निम्न में से किसका पर्यायवाची है, पोहप जल्दी से बताना है, पोहप निम्न में से किसका पर्यायवाची है, प्रसून, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट है ससुराल का तत्सम शब्द क्या है, जल्दी से बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा स्वासुराल, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, स्वासुराल। दंत धावन का तद्भव शब्द बताना है, जल्दी से बताओ, दंत धावन तद्भव क्या होगा, दंत धावन का उत्तर होगा दातौन, विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा। अभ्युदय में कौन सी संधि है, बताओ जल्दी से, अभ्युदय, उत्तर इसका सही क्या होगा, यण संधि, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। अभ्युदय में पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है, बताओ पित्रादेश का संधि विच्छेद, उत्तर होगा दोस्तों पितृ धन आदेश, ये पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होता है, पितृ धन आदेश, विकल्प नंबर दो। दिग्भ्रम का सही संधि विच्छेद बताना है, दिग्भ्रम क्या होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों दिक् धन भ्रम, व्यंजन संधि, विकल्प नंबर एक। निम्न वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या होगा उचित क्रम इनका, उत्तर इसका सही होगा रा वा ला या, रा वा ला और या। सबसे पहले वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से पूर्व बाल मृत्यु की दर अत्यधिक थी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य काव्य में जहां प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बताओ। जहां प्रशंसा के द्वारा निंदा, निंदा के द्वारा प्रशंसा, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ब्याज स्तुति, कौन सी होती है, ब्याज स्तुति, विकल्प नंबर दो। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पीए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पीए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, जल्दी से बताओ कौन सा सही हो जाएगा। छेक अनुप्रास, व्यत्यय अनुप्रास, लाट अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, ये पांच जो अनुप्रास के भेद होते हैं उनमें से आपको बताना था, उत्तर होगा लाट अनुप्रास, विकल्प नंबर तीन। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है, जल्दी से छांटो, क्या होगा सही, उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध वाक्य में वह पागल हाथी हो गया, तो क्या हो जाएगा, वह पागल हाथी हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है। अब मैं प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, तो व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, ये सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विकल्प आपकी तीनों विकल्प में से पूरी तरह अलग है, कमल, चमेली, जाम या फिर जूही, उत्तर होगा जाम, विकल्प नंबर तीन। नेक्स्ट है निम्न में से हंस का अनेकार्थी शब्द बताना है, हंस का अनेकार्थी क्या होगा,
उत्तर सही होगा जीवात्मा। विकल्प नंबर एक इसका सही होगा, हंस का निकारती जो शब्द है वो है जीवात्मा। अभोग के लिए विलोम शब्द होगा अभोग। अभोग के लिए विलोम शब्द बताना है कौन सा सही हो जाएगा, क्या होगा इसका उत्तर? भोग। अभोग का विलोम शब्द होता है भोग, विकल्प नंबर तीन। नेक्स्ट है मधुर का विलोम इनमें से नहीं है, मधुर का कौन सा नहीं है? उत्तर इसका होगा मृदुल, ये मधुर का विलोम नहीं है, विकल्प नंबर चार। जब किसी भाव या शब्द की अलग व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो खालिस्तान ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से ब्राह्म चिन्ह का? समानता सूचक, निर्देश, कोष्टक या फिर उद्धरण? जल्दी से बताओ। उत्तरण होगा कोष्टक, है ना। जब किसी भाव या शब्द की अलग व्याख्या करना चाहते हैं तो यहां पर कोष्टक होगा, ठीक है, विकल्प नंबर तीन। रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? मात्रिक, शाब्दिक, वर्णिक या उपसवी? जल्दी से बताओ रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? उत्तर होगा दोस्तों मात्रिक, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है, किसे माना है? जल्दी से बताएंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही उत्तर? हास्य रस को, विकल्प नंबर चार। केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया, तो किस रचना में किया है? केशवदास की ये चारों रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, और इन्होंने रस का जो विवेचन किया वो रसिक प्रिया में किया है। नेक्स्ट, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है? शून्य और शक्ति, ये निबंध है, ये किसका निबंध है आपको बताना है जल्दी से। हिंदी साहित्य वालों जरा जल्दी से बता दो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये निबंध है शून्य और शक्ति। बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रवरदाई या फिर रसखान? तो बिखरे मोती के रचनाकार जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बिखरे मोती। दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया का शुभारंभ कब किया गया था? जल्दी से बताओ। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 5 जून 1947 को किया गया था दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया का शुभारंभ। यहां पर हमें बताना है शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा इसका, जल्दी से पढ़ो इसको और देखो, टाइम भी थोड़ा सा है आपके पास। क्या होगा इसका सही विकल्प नंबर? युधिष्ठिर, क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर विकल्प नंबर दो, ठीक है, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा। नेक्स्ट, श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा, क्या होगा बताएं जल्दी से। उत्तर होगा दोस्तों कौन सा बताओ, विकल्प नंबर तीन, ये सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर तीन श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थ भेद में से कौन सा गलत है? ककड़ी, ककड़ी, कंकड़ी और ककड़ी। छोटा कंकड़ एक प्रसिद्ध तरकारी, ओटना, ओटना। जल्दी से पढ़ लो कौन सा गलत है बताना है, कौन सा है गलत? उत्तर तो सही है, उत्तर, उत्तर, ऊपर, जवाब, यही गलत है, विकल्प नंबर तीन। अनुसार, अनुस्वर युग्म का सही अर्थ होगा, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। क्या होगा उत्तर? अनुरूप, स्वर का नासिकीय रूप। यहां पर सही बताना था तो स्वर का नासिकीय रूप और अनुरूप, विकल्प नंबर एक। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कष्ट का समानार्थी शब्द नहीं है, कष्ट का समानार्थी कौन सा नहीं है बताओ जल्दी। उत्तर होगा शुश्रूषा,
ये कष्ट का समानार्थी नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांक के शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। तो किसलय यहाँ पर रेखांकित किया गया है, और आपको बताना है किसलय का समानार्थी पत्ता, फूल, उपवन या फल। तो क्या होगा किसलय का? पत्ता, फूल, फल, उपवन या जल्दी बताओ। उत्तर होगा उपवन। किसलय का जो समानार्थी होता है वो उपवन होता है, विकल्प नंबर 3। नीलकमल का समास विग्रह करो, जल्दी से करो, कमेंट में जल्दी से लिख दो। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, विकल्प नंबर 1। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी से बताओ। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है, सभी लोग बताएंगे, सभी ने पढ़ा है। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, विकल्प नंबर 4। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, क्या होगा सही? संयुक्त वाक्य का चयन करना है, कौन सा है? उत्तर होगा ना एक ठीक है ना दूसरा, ये होगा संयुक्त वाक्य, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य बताना है अब आपको। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्तृवाच बताना है हमें, कौन सा सही होगा? आप गाना गाइए, ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच। नेक्स्ट है स्पेल द विंस का अनुवाद है, स्पेल द विंस का अनुवाद बताओ जल्दी से, क्या होगा? उत्तर सही होगा रहस्य उजागर कर देना, स्पेल द विंस का अनुवाद। नेक्स्ट है बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, क्या है? बिगड़ी दशा में अंग्रेजी पर्याय होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में लिख दें अगर पता है तो। उत्तर होगा आउट ऑफ ऑर्डर, बिगड़ी दशा में। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ बताओ, जल्दी से बताओ लोकोक्ति का। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, विकल्प नंबर 4। कुमार अपना ही गड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ क्या होगा सही उत्तर? अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट है प्रेम का पंत कराल महा, अब वहां पर पूर्व करना है, कौन सा सही होगा? प्रेम का पंत कराल, घनानंद की ये उक्ति है, इन्होंने कहा है कि प्रेम का पंत कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताओ जल्दी से। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की है, हमने पढ़ा था। अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट होगा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया है भाइयों, जल्दी से बताओ। उत्तर इसका सही होगा पतंजलि ने किया अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और हमारे प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, पेज से जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से, वहां भी आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। सभी के लिए जय हिंद।